बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की फिल्म फ्राइडे दर्शकों को भा रही है। फिल्म में गोविंदा के साथ लोगों को वरुण शर्मा हंसा रही हैं। फिल्म में बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट दिगांगना सूर्यवंशी भी है। जो लोग कॉमेडी देखने के मूड में हैं, वे इस फिल्म को देखने जा सकती हैं। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो फ्राइडे ने अपने ओपनिंग डे पर 40 लाख रुपए कमाए थे और शनिवार को 30 लाख रुपए का कारोबार किया। इसी तरह से फिल्म ने दो दिन में 70 लाख रुपए कमाए हैं और वहीं रविवार को फिल्म का कलेक्शन 30 लाख रुपए रहा। कुल मिलाकर इस फिल्म ने अपने वीकेंड में 1 करोड़ का कलेक्शन किया। इस हफ्ते फ्राइडे के अलावा जलेबी और हेलीकॉप्टर ईला भी रिलीज हुई। इन दोनों फिल्में भी कलेक्शन के मामले में कुछ खास कमाल करके नहीं दिखा पा रही है। वहीं फिल्म अंधाधुंध, लव यात्री और सुविधा का अभी तक सिनेमाघरों पर पैर जमाए हुए हैं। ऐसे में इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों के कलेक्शन पर असर देखने को मिल रहा है। बता दें, गोविंदा की फिल्म फ्राइडे को लेकर माना जा रहा था कि ये फिल्म अपने ओपनिंग डे पर 1 से 1.5 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। बता दें, ये फिल्म अभिषेक डोगरा ने डायरेक्ट की है। इस फिल्म को साजिद कुरैशी ने PVR के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।